नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दुखों की अर्थी उठने वाली है, इसीलिए आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य ना करें कि दुश्मन के साथ साथ आपके ऊपर भी बड़ी मुसीबत आन पड़ जाए। बस दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि आपका कभी भी कुछ भी गलत हो या कुछ भी बुरा हो। आपसे निवेदन यही है कि हमारा द्वारा बताई गई ये जानकारी को आप सावधानी से सुने और इससे महत्वपूर्ण शिक्षा लें। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप अपने जीवन में कुछ गलती कर देते हैं। और दोस्तों, अब ये भी बता दूं कि आखिर जिस बात से आप बेहद परेशान थे, उसे सामना अब आपका होने वाला है। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आप लोग जिस चीज से भाग रहे थे, वह अब आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रखने वाली है, क्योंकि ये घटना आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आएगा जो इससे पहले शायद ही कभी आपने देखी हो और आपने सुना हो। बिल्कुल सही सुना है आपने। कई चीजों को लेकर प्रसन्न हैं आप, और कई चीजों को लेकर आप बहुत ही दुखी रहते हैं। दोस्तों, ऐसी मुसीबतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि हर समस्या से आपको छुटकारा मिल पाए। और दोस्तों, एक उपाय भी बताएंगे जो इतना शक्तिशाली है कि जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। जो जानता है वह किसी को बताता नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते चले आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत दुखों तकलीफों का सामना कर रहे थे, और दोस्तों बस यही कारण था कि हर एक पहलू पर आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की असफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों ये बात है कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग का निर्माण नहीं हुआ है, उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो के हर एक भाग को गौर से देखना है व समझना होगा। वीडियो में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ में जय माता दी अवश्य लिख दें, ताकि दोस्तों माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ में, जो आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विचलित नहीं होता, और ना ही शोक मनाता है और ना ही वह खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है, उसके हर एक कर्म में उसके लिए कोई भी लालच नहीं होता है, कोई भी इच्छा नहीं होती। और इससे भी महत्वपूर्ण कि इसके द्वारा किए गए कर्म से कभी भी किसी को कोई हानि नहीं होती, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान सचमुच में एक कर्म योगी है, और उसके द्वारा किया गया हर एक काम एक योग है, यानी कि ईश्वर से उसका जुड़ाव है। हर एक कर्म उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है, और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान खुद अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है, तो फिर वह अपने जीवन से अशक्तियाँ रखने लग जाता है, और जीवन की हर एक घटना उसे बहुत प्रभावित करती है, और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर ये होगा कि इंसान को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है, और वह स्वयं ही भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है। वह तो नियमित मात्र है, यानी कि माध्यम मात्र है। तो फिर इस भाव से जब वो कोई भी कार्य करेगा, कोई भी कर्म करेगा, तो जो फल प्राप्त होंगे वे ईश्वर का प्रसाद समझकर इन्हें स्वीकार कर लेगा, और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में संतुष्ट के साथ में जीता है, तो उसका जीवन ही सफल है और स्वर्ग के समान है। दोस्तों, यदि आपको श्री कृष्ण का ये सुंदर विचार, ये सुंदर ज्ञान अच्छा लगा हो, तो कॉमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिख दें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। दोस्तों, व्यापार में, करियर क्षेत्र में कौन कौन सी नई उपलब्धियां भी आपके हाथ अब लगने वाली हैं, तो दोस्तों इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा।
आप बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, आप किसी पर भी बहुत जल्दी यदि विश्वास कर लेते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपसे चापलूसी बात करके आपके राज निकलवा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जो अगले 24 घंटे में आप सभी को रखनी होगी। दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, हर चुनौतियों का डटकर सामना करने की आवश्यकता है, हर जगह अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा गतिविधियों में आपको अपनी देखरेख में ही करवानी है। जरा सी लापरवाही परेशानी का केंद्र बनेगी व कोई इंक्वायरी बैठ सकती है। यात्रा या फिर किसी विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यदि ऐसा है तो चोट और दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने विश्वासों को पुनः व्यवस्थित करने का ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों मुश्किल से मुश्किल भरी चीज़ों का समाधान भी मिलने वाला है। जो चीज़ आप लोगों के मन में है वह भी अब आप लोगों को अच्छी चलने वाली है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशानियों का व चुनौतियों का डटकर सामना करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है व कार्य करने की भी आवश्यकता है। आपको दोस्तों अपने लोगों के साथ में किसी बात को लेकर के संबंध खराब हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यदि आपको संबंधों को संभालने के लिए झुकना भी पड़ सके तो झुक जाओ। यदि बार बार संबंध संभालने के लिए आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। समय के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना जरूरी है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, साथ ही आपके कार्य योजनाबद्ध तरीके से बनते चले जाएंगे। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही लगी रहेगी तथा आपसी मेल मुलाकात सबको आनंद व खुशी देगी। आपके व्यवसायिक कार्यों में भी दोस्तों कुछ व्यवधान रहेंगे, परंतु इस समय आपकी प्राथमिकता घर की देखभाल ही रहने वाली है। किसी औपचारिक व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। व्यक्ति की दोस्तों चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लापरवाही ना करें, बिजनेस से लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल करेंगे दोस्तों, फायदेमंद स्थितियां उत्पन्न होंगी। लाभदायक स्थितियों के लिए पेपर वर्क करते समय छोटी मोटी गलतियों को ध्यान दें, वरना दोस्तों बड़ा नुकसान आप लोगों का हो सकता है। कारोबारिक मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं, वह बड़ा ऑर्डर भी आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप लोगों को कुछ खास सावधानियों के साथ साथ थोड़ी सतर्कता रखने की भी आवश्यकता है, जिससे आप लोग लाभदायक स्थिति उठा पाए। दोस्तों कुछ समय से चल रही उथल पुथल आज कुछ राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, वहीं दूसरों की मदद करने से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, परंतु इसके साथ ही साथ अपने कार्यों पर ही फोकस करें। राजनीतिक संपर्कों का उचित गतिविधि रहेगा व गैर कानून कानने से दूर रहना है। किसी के साथ जो है व्यापार की बातों में दोस्तों आप लोगों को नहीं उलझना है। यदि व्यवसाय को लेकर बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में आप लोगों को लिए हुए व्यवसाय उड़ने अच्छे रहेंगे, नया ऑर्डर मिलेगा व दोस्तों ऑर्डर मिलने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें। दोस्तों ईर्ष्या करने वाले लोगों से अभी ही दूर हो जाइए। शेयर गतिविधियों में आपकी विशेष भूमिका रहेगी व आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, बेहतर होगा अपनी गतिविधियों को दूसरे के साथ जाहिर ना करें। हालांकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ आएंगे, ऑफिस के काम को लेकर थोड़ी दिक्कत रह सकती है, लेकिन आपको ध्यान इस बात को रखना है किसी को अपनी पर्सनल बातें सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी है, अन्यथा इनकी नुकसान आप लोगों को व परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।